जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगा दशहरे की। दोस्तों हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है गंगा दशहरा। निर्जला एकादशी के ठीक एक दिन पहले आता है ये दशहरा। दोस्तों स्कंद पुराण की माने तो गंगा दशहरे के दिन व्यक्ति को किसी भी पवित्र नदी पर जाकर स्नान, ध्यान और दान जरूर से करना चाहिए और ऐसा करने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है। और जिस व्यक्ति को गंगा नदी में स्नान करने का सौभाग्य मिल जाए उसके लिए तो स्वयं मोक्ष के द्वार ही खुल जाते हैं। साथ ही दोस्तों इस पवित्र नदी में स्नान करने से 10 प्रकार के जो है हमारे पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विष्णुपदी पुण्य सलिला माँ गंगा का प्रतिपद अवतरण हुआ था और इसीलिए दोस्तों ये दिन गंगा दशहरे के नाम से जाना जाता है और लोक भाषा में इसे ज्येष्ठ का या जेठ का दशहरा भी कहा जाता है। और दोस्तों इस दिन गंगा जी की पूजा करने का विशेष विधान है। साथ ही जो भी आप दान करते हैं वह 10-10 संख्या में किया जाता है, यानी जो भी वस्तु का आप दान कर रहे हो वह संख्या में 10 होनी चाहिए। आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो 10 ब्राह्मणों को इस दिन भोजन कराने का विधान है। साथ दोस्तों गंगा जी की पूजा अर्चना करने के बाद इस दिन गंगा जी की आरती जरूर से करनी चाहिए और काशी के जो 10 अश्वमेघ घाट है उस पर इस दिन विशेष रूप पर गंगा जी की आरती की जाती है। बहुत ही भव्य नज़ारा होता है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लगता है वो नज़ारा। दोस्तों उस नज़ारे का आनंद आप ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस दिन आप अपने घर पर ही गंगा जी का ध्यान करते हुए आरती अवश्य करें। अगर आपके घर में कोई तस्वीर नहीं है तो किसी पात्र में आप गंगा जल डालकर उसमें साधारण जल मिक्स करके आप उस जल की पूजा करके भी आरती कर सकते हैं। साथ दोस्तों इस दिन गंगा जी की जो कथा है वह जरूर से सुननी चाहिए। चलिए आज हम आपको सुनाते हैं वही गंगा जी की कथा। प्राचीन समय की बात है, अयोध्या में राजा सगर राज्य किया करते और राजा जो सगर थे उनके 60,000 पुत्र थे। और एक बार क्या हुआ, राजा सगर ने ये निश्चय किया कि वो एक अश्वमेघ यज्ञ जो है वो करवाएंगे। उन्होंने अपनी सोच के अनुसार जो है सारी व्यवस्था करवाई। अश्वमेघ के लिए जो है यज्ञ के लिए घोड़े को छोड़ दिया गया और राजा इंद्र जो है वो यह यज्ञ सफल नहीं करने देना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये जो यज्ञ है वह असफल हो जाए, क्योंकि दोस्तों पुराने जमाने में अश्वमेघ यज्ञ जो है वो साम्राज्य के विस्तार के लिए किया जाता था। और अश्वमेघ यज्ञ के का जो घोड़ा है जितनी दूरी तक जाता था वह सारी की सारी भूमि उस राज्य के अधीन हो जाती थी। और इसलिए जो इंद्र है वो नहीं चाहते थे कि राजा सगर का साम्राज्य इस तरह से फैले। इसलिए उन्होंने जो है अश्वमेघ यज्ञ का जो घोड़ा था वह महर्षि कपिल के आश्रम में छिपा दिया। और फिर राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते हुए सब जगह जाने लगे और अंत में वो पहुंचे कपिल के, जो कपिल मुनि थे उनके आश्रम में पहुंचे। और जब उन्होंने घोड़े को देखा वैसे ही वो चोर चोर चिल्लाने लगे और उन लोगों के चिल्लाने की आवाज से महर्षि कपिल की जो तपस्या थी वो भंग हो गई। और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले राजा सगर के 60,000 पुत्रों में से एक भी जीवित नहीं बचा, क्योंकि सभी उनके नेत्रों की अग्नि से जलकर भस्म हो गए। और उसके बाद राजा सगर, फिर उनके बाद अंशुमान, फिर महाराज दिलीप, तीनों ने ही उन्नत आत्माओं की मुक्ति के लिए घोर तपस्या की ताकि वह गंगा जी को धरती पर ला सके, किंतु वे सफल नहीं हो पाए और अपने प्राण त्याग दिए। गंगा जी को इसलिए भी लाना जरूरी हो गया क्योंकि पृथ्वी का सारा जल अगस्त ऋषि पहले ही पी चुके थे। अपने पूर्वजों की शांति तथा तर्पण के लिए कोई भी नदी शेष नहीं बची थी। महाराज दिलीप के पुत्र थे राजा भगीरथ। उन्होंने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की और उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करना स्टार्ट कर दिया। एक दिन ब्रह्मा जी की जो तपस्या में लीन थे तो ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और राजा भगीरथ को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा भगीरथ ने गंगा जी को धरती पर लाने की बात कही। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि ये तो संभव नहीं है क्योंकि गंगा जी का वेग इतना तेज है कि अगर पृथ्वी पर पहुंचेगी तो वहां प्रलय आ जाएगी।
तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा को तुम्हारे साथ भेज तो दूंगा, लेकिन उसके अति तीव्र वेग को सहन कौन करेगा। इस पर राजा भगीरथ ने माता गंगा की आराधना की। तब माता गंगा ने कहा कि अगर तुम भगवान शिव को प्रसन्न कर लो और वो अगर अपनी जटाओं में मुझे धारण कर ले तो शायद ये कार्य जो है वो संभव हो सकता है। अब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, एक टांग पर खड़े होकर भगवान शिव को मनाने लगे। भगवान शिव भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोकने को तैयार हो गए। गंगा जी को अपनी जटाओं में रोककर एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया और इस प्रकार से गंगा जी जो है वो धरती पर आ पहुंची। और गंगा जी के धरती पर अवतरण होने से राजा भगीरथ के सभी पुरुषों को मुक्ति मिली। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन इस कथा को जरूर से सुनना चाहिए और गंगा मैया की पूजन करते समय ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगाए नमः इस मंत्र को बोलकर आपने पूजा करनी चाहिए। और पूजन में सभी वस्तुएं पुष्प इत्यादि जो है वो आपने 10-10 की काउंटिंग में चढ़ानी चाहिए। साथ दोस्तों जौ और तिल जो है वो आपने 16-16 मुट्ठी जो है वो चढ़ाकर दान करनी चाहिए। और दोस्तों इसके साथ ही इस दिन अपने पितरों के निमित्त काले तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों अगर आपने अगर कभी भी गंगा दशहरा के दिन पूजा अर्चना नहीं की तो इस बार आपने जरूर से करनी चाहिए। अपने पितरों के निमित्त आपने तर्पण कार्य जरूर से करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ आप शेयर जरूर से कीजिएगा। और दोस्तों गंगा जी की आरती के लिए आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर से चेक कर लें। चैनल से जुड़े रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए अपना देश। साथ ही दोस्तों घंटी के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर गंगे।